वो आज फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। चैनल बंद होते या ब्लॉक होते तो उनका कैसा लगता होगा, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। फिलहाल नहाना धोना रह गया बस, एंड तो मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सो ब्रेकफास्ट मेरा वही चिल्ला और दूध, तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके बाद नहाऊंगी। और आज मस्त मौसम हो रहा था, कल रात बारिश हुई है और अभी ठंडा ठंडा अच्छा सा हो रहा था। पंखा भी नहीं चला रहा, नहीं तो सुबह ही पंखा चलाना पड़ जाता है। तो गाइस, तन्वी को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है एंड मैं घर में अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चला कितना बज गया। बाहर इतना सुंदर इतना मौसम था ना, सुबह बारिश हो रही थी, इतनी अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, अभी फिर से धूप आ गई है। वहाँ देखो जरा, अभी भी भयंकर वाले बादल लगे हुए हैं। क्या पता थोड़ी देर में उड़ते उड़ते आ जाए कोरदार और बरस जाए, क्योंकि यहाँ तो आज पूरा मौसम साफ हो गया है। सूर्य देवता भी भयंकर धूप दे रहे हैं। वैसे कहने के लिए तो आज ग्रहण है, पर सूरज की मैं कोई ग्रहण नहीं हो रहा, इतनी तेज धूप आ रखी है। खुद ही तो बोला था कि वो वाली कैप लेकर आना और वो वाला चश्मा लेकर आना। नहीं, हाँ ये वाला नहीं मंगाया था, काचू वाली नहीं मंगाई थी ना, मैंने वो वाली मंगाई थी जो गोवा में ले जाते हैं। जो गोवा में ले जाते हैं? हाँ। तो गोवा ले जाते हैं ना, स्कूल थोड़ी लाते हैं। कपड़े पूरे चेंज करते हैं तन्वी के एंड खाना बनाते हैं। खाना मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने कहा सब्जी बची हुई थी, तो मैंने कहा रोटी डालूंगी और अपने लिए दाल बनाऊंगी, तो दाल बनाती हूँ पहले अपने लिए। हाँ रुको, गिराना नहीं बिस्तर में, गिराना नहीं। गाइस, किसी का बच्चे का बर्थडे होगा ना, तो देखो जरा हमारे टाइम में तो हमारे यहाँ तो क्लास में बच्चे टॉफी बांटते थे, यहाँ बच्चे कुरकुरे बांट रहे हैं। इसमें सॉस मिली है इतने सारे, चार चार सारे बच्चों को तो एक एक मिला। तन्नू तुम्हें तो जैकपॉट लग गया, चार पैकेट इतने से चिप्स के साथ इतना सारा सॉस दे रखा है क्या ये मून चिप्स? काम आ जाएगा चोर, सॉस काम आएगा एक। गाइस मेरा तो भूख के मारे जैसे पेट दर्द हो गया है, क्या बताऊं। 3 बजने वाले, मैंने दाल भिगाई थी सोयाबीन की, मैंने कहा दाल खाऊंगी, वो दाल उबालने में लगी हुई है, कब से उबाल रही हूँ फिर भगवान, तब से पकी ही नहीं है। अब फाइनली अभी 5-6 सीटी मारने के बाद मैंने बंद किया है, अब देखती हूँ कि पका है कि नहीं पका है। तो गाइस लंच में आ गया है कुछ ट्विस्ट, मैंने दाल उबालती ना, सोचा तो दाल रोटी बनाऊंगी, तो क्या हो गया दाल ना मेरे ज़्यादा उबाली 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 पूरा पानी सूख गया। फिर मैंने देखी वो तो बिल्कुल सूखी सूखी सी हो गई है, तो मैंने को याद है मैंने कहा इसके क्या कहते हैं रोटी बड़ी अच्छी होती है सोयाबीन की, तो मैंने तलने के लिए तो यहाँ पे स्टफिंग स्टफ करके उसको परांठा बना लिया और अपने लिए बनाई यहाँ पे रोटी, साथ में लिए दही और खूब सारा सैलेड, जुगाड़ू खाना बना दिया है। तो तन्वी को देती हूँ इसके साथ सॉस और मैं तो दही के साथ खाती हूँ। क्या करें, दाल की दाल रोटी की रोटी, डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, छौंका छाके कुछ नहीं करना पड़ा, एक ही साथ सब कुछ हो गया। देखा ये होता है दिमाग। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं, हमारा डेली का होता है कि हम 5:30 बजे जाएंगे घर के, हाँ पर नीतू जी ने कसम खा रही है कि मैं जाऊँगी ही नहीं 5:30 बजे। चुप रहे क्या, सही बता रही हूँ। अब ये देखो 5:30 बजे का अलार्म बज गया बीएल में और इनका अपना कार्यक्रम चल रहा है सिलाई कढ़ाई का, रोज इनकी वजह से लेट होता है, फिर कहेंगे जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे। तो गाइस हम यहाँ से जहाँ से जाते हैं ना, यहाँ पर बंदर ही बंदर है, पीछे देख रहे हो वॉल पे भयंकर, वैसे झपट्टा मारते हैं तो मुझसे जाना पड़ता है ये सीधे मॉल के पीछे, बेटा वो देखे ना हमको। तो गाइस आज मैंने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली, क्यों? क्योंकि आज मैंने 1.5 पराठे खा रहे हैं, तो आज 1.5 पराठे पूरे वसूल रहे हैं, पराठे सॉरी रोटी 1.5 रोटी। तो गाइस आज आके पहले हमने जंपिंग जैक्स और साइकिलिंग किए, आज नीतू दी ने मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दी थी, तो आज हमने क्या नहीं किया नीतू दी, आज हमने साइकिल वो नहीं की, ट्रेडमिल में ही चले, ये हमारी सजा थी, क्योंकि हम उसमें करते हैं फिर थक जाते हैं फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो पहले बोलो पहले एक्सरसाइज करो फिर करोगे ट्रेडमिल, तो अभी फिलहाल एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, फोन में मत देखना, तू अपना करते नहीं बना, बन गया बन गया, नहीं बनता था इस बार तो देखते। हो चलो हम नीतू दी की बारी चले आज। ओह माय गॉड, तो गाइस आज हमने ना खाली थाई स्पैम किया, एक्सरसाइज किया, इतना खतरनाक दर्द हो गया ना, चला जा रहा है। ओह मां, ओह ये बच्चे मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या है क्या है? ओह कहाँ से आई, जिंदा है? बच्चे अभी पूरी नहीं उड़ पा रही, नाली के उसमें पड़ा हुआ था, नाली में पड़ा था नाली में नहीं वहाँ पे।
उल्लू के पास उठो, सुनो कहाँ गिरा था बुल्ली बताओ। वहाँ पे जो ना जहाँ बकरी नहीं रहती उसके वहाँ पे नाली उधर। अच्छा उल्ली खा रहे तो जी मिलकी भाग गई एक मिली है। अतु इधर मैं प्यार कर रही हूँ इसको। काट ले नीतू दी के मुंह में काट दे। आहा कितनी प्यारी है। वो आपको पसीना आ रखा। जिम से आए बेटा पसीना आएगा। अब तुम बच्चों ने यहाँ मेला क्यों लगा रखा है इसको देखने के लिए? ये बच्चे आए सारे घुस घुस के बाहर। चलो फिर अब घर चलो बेटा। चलो जाओ बेटी। 7:30 बज चुके हैं और इन बच्चों ने यहाँ पे मेला लगा रखा है। हम चलते हैं घर की तरफ। तन्नू आ जाओ, आओ तन्नी। सो गाइस 9:00 बज चुके हैं एंड अभी भी मेरा खाना नहीं बना है। तो वहाँ से आई और फिर मेरा ना क्या हो गया था ना, आज ना मेरा फेसबुक में पेज था जो ब्लॉग वाला, वो आज फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। अब करा क्यों ये मुझे पता नहीं है, पर मेरे को इतनी टेंशन हो रही है। खैर उसमें मेरे फॉलोवर ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी यार क्रिएटर लोगों को लगता है ना। आज मुझे फील हो रहा है कि यार बड़े बड़े क्रिएटर्स का जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके जिनके चैनल बंद होते या ब्लॉक होते, तो उनका कैसा लगता होगा। बहुत दुखा तो उसी में लगी हुई थी कब से, मतलब जब से आई थी, मतलब 7:30 से 9 बजे तक अमित तो में लगी हुई थी कि क्या हुआ करके। हमें पता भी नहीं है कि किस उस पर करा करके। सो फिलहाल अभी जाके मैंने खाना बनाया, तो अपने लिए बनाई दाल और अमित के लिए भी दाल और रोटी सब्जी। तो अब खाएंगे, थोड़ा दिमाग अपना वो करती हूँ। फेसबुक और फेसबुक भी बंद हो गया था, फिर थोड़ा बहुत कुछ करा उसके बाद अभी जाके फेसबुक तो खुल गया है बट पेज बंद हो चुका है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज। सो फिलहाल अभी खाना ना खाते हैं, 9 बज चुका है क्योंकि। तो गाइस खाना पीना हो गया और हम सोने के लिए आए हो। आपको मजा अच्छा तो कुछ लाइक सब्सक्राइब नीचे बात बोलो क्लिक कर दो। जैसे कि आशीर्वाद दिया मिलते हैं।